सलमान खान की फिल्म रेस 3 का ट्रेलर दर्शकों को बेहद ही पसंद आया है। आपको बता दें, सलमान खान की रेस 3 को सलमान के अलावा रमेश तौरानी ने प्रोड्यूस किया है। रमेश तौरानी ने हालिया इंटरव्यू में ऐसी बातें दोहराई जिससे रेस 3 को लेकर कुछ बातें साफ हो गई। रमेश तौरानी से पूछा गया कि 3D का आइडिया किसका था, तो रमेश तौरानी ने जवाब दिया कि ये फिल्म काफी बड़े बजट की बन रही थी, तो ये आइडिया रेमो सूजा का था। रमेश तौरानी ने बताया, रेमो इससे पहले 2 फिल्में 3D में बना चुके हैं। उन्होंने ही कहा था कि फिल्म काफी बड़ी है, जब हम इतना खर्चा कर ही रहे हैं तो फिल्म के साथ इंसाफ होना चाहिए, अगर ये 3D में आएगी तो दर्शक ज्यादा खुश होंगे। रमेश तौरानी ने आगे कहा कि रेमो काफी अच्छा डायरेक्टर है, हमेशा ही कूल रहते हैं। रमेश ने इस इंटरव्यू के दौरान बाकी स्टार कास्ट के बारे में भी बात कही। सभी सितारों की उन्होंने काफी तारीफें की। सलमान खान को कहा कि सलमान खान सब कुछ करते हैं, सलमान खान फिल्म के स्क्रिप्ट से ही हमारे साथ है। 3D में रिलीज होने के बाद फिल्म को और भी अच्छा रेस्पॉन्स मिल सकता है। रमेश तौरानी ने बताया कि इसको 3D में शूट नहीं किया गया है, बल्कि इसे डिजिटली 3D में कन्वर्ट किया गया है। रेस 3 15 जून 2018 को ईद के मौके पर रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, 3D में ये फिल्म क्या पसंद आएगी, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। और भी खबर के लिए सब्सक्राइब करें देखो देखो और दबा दीजिए बेल आइकन, ताकि रेस 3 की हर अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले।